आपका नाम? सुमित है जी। आपका नाम? राम फूल है जी। सुमित, आपके साथ क्या हुआ था? जी, मैं रोहतक कॉलेज में पढ़ता हूँ और गांव सिसाना का रहने वाला हूँ। और उस दिन मेरे घर वालों ने मुझे फ़ोन करके घर पे बुला लिया था कि गेहूँ काटने हैं। मैं गेहूँ कटवाने लिए घर पे 10 बजे 10:30 बजे के करीब आ गया था घर। तो अगले दिन मैं कॉलेज में गया था तो मुझे पता चला, मेरे दोस्तों ने बताया कि तेरे नाम की एफ आई आर कट चुकी है यहाँ पे उसमें बस स्टैंड वाली चौकी में। तो मैंने घर वालों को बताया कि मेरे नाम के साथ ऐसे एफ आई आर कटवा दी किसी ने, पैसे वैसे देकर हमने मामला दबाया था। ये कब की बात है? ये 6-7 महीने पहले की बात है जी। ये उन्हीं लड़कियों के बारे में जो? हाँ, ये पूजा और आरती, ये दोनों लड़कियाँ थी जी। आपने उनके साथ कुछ गलत किया था? नहीं जी, कुछ भी नहीं था। मैं तो बस में भी नहीं था उस दिन। आपने कोई बदतमीजी कभी कुछ ऐसी कोई? नो मैडम, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कभी कभी बस स्टॉप पे कोई झगड़ा हो जाता है कुछ? नो सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ था हमारे साथ। आपको बुरा लगा सुमित, ऐसा हुआ? और बुरा है मैडम, हमारा तो करियर भी बर्बाद होगा ना, बुरा तो नहीं लगेगा मैडम। करियर कैसे बर्बाद हो गया? कॉलेज जाना छटवा दिया घर वालों ने उन लड़कियों की वजह से। उसके बाद से कॉलेज नहीं गए सुमित? मेरे फादर से इन्होंने रुपये लिए थे, राजेश ने, लड़के के पिताजी ने। तो पहले तो ऐसे ही कहता रहता दे दूंगा। फिर मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया। मेरे पिताजी 3 साल से कोमा में हैं। मेरे पिताजी का ऑपरेशन हुआ था पहली बार, तो हमको रुपये की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। तो मैं उनके घर पे गया, उसके पिताजी ऊपर थे तो नीचे वो लड़कियाँ थी, उसने ऊपर नहीं चढ़ने दिया मेरे को और गंदी गंदी गालियाँ दी और कहने लगी अगर तू यहाँ पे आया दोबारा तो तेरे ऊपर रेप का केस लगा देंगे। तो मैं अपने घर पे आ गया। ये मेरे ऊपर किडनैपिंग का केस लगवा दिया। कब की बात है प्रवीण? ये लगभग 3-4 महीने पहले की बात है। प्रवीण, आप पढ़े लिखे हैं, आप क्यों डर गए इन बातों से? ये उन्होंने कहा था कि आप इनसे राजीनामा कर लो, नहीं तो ये आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, तेरे पे गंदा केस लगा देंगे, जो जेल भुगतता रहेगा सारी उम्र। आपने कितने पैसे? मैंने 20,000 रुपये में फैसला किया। तो आपकी जब कोई गलती नहीं थी, आपने पुलिस को समझाने की कोशिश की? पुलिस कहाँ मानती है जी इन बातों में? पुलिस मैडम लड़की की चलती है, हमारी नहीं चलती उस टाइम पे। सुमित, आपकी गलती नहीं थी फिर भी आपने माफी मांगी? हाँ जी मांगी थी। ना मांगा तो क्या करा अपना, और फिर जेल में चला गया ये। सुमित काफी दुखी लग रहे हो, आप तो पढ़ना चाहते हो? पीटी दो लड़कियां, मैं जाने लगा तो मैडम ने रोका, क्यों किसी के घर वाले पढ़ो? मैं बोला इसको तू रुक जाए, मैं अभी जाके देखता हूँ। तो जी ये थोड़ी आगे चली गई, मैं उधर गया तो जी वो लड़की उसको पीट रही थी, मैंने उसको हाथ पकड़ा लड़की का और हाथ पकड़े साइड में भगा दी। मैं बोला बहन जी क्या बात होगी, क्यों मारी तो इसको? दाँत गुस्से से पीटने लग रही थी। और एक लड़का था जी जो उनकी फिल्म बनाने लग रहा था, उसके बाद जी वो मेरा चपेट के पास गया, मेरा यहाँ से गला पकड़ लिया जी और माँ की गाड़ी थी इस प्रकार गंदी गाड़ी, मेरा भाई चाचा पुलिस में है, मैं नो करवा दी सोना और वही फोन करूँ तुमने भी गला छेड़छाड़ के उसमें फंसाऊँ। तो जी हम बाहर आकर बैठ गए, वो लड़का थोड़ी देर में आया जी, फिर बोला मेरे पर्स मर्द है सारे तो पैसे निकाले। मैं बोला कितने पैसे थे? तो जी उसने बताया 7-8 हज़ार। तो उन लड़कियों ने आपको भी ये बोला था कि मैं तेरे को थाने में बंद करवा दूँ? हाँ जी, मेरे को ये धमकी नहीं जी, मेरा गले का चिपटी तो तू के लग रहा है, तेरे ऊपर भी छेड़खान का मुकदमा दर्ज करवाऊँ, मेरा चाचा वाला पुलिस में है ये और वो है। आप इस मामले में अब क्यों आ रहे हैं? क्या आप लड़कों को बचाना चाहते हैं इसलिए आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? ऐसा बन जिस बात का मैं पहले तो नेम देना चाहूंगा भाई, मैं आप गीता लिया हूँ, मैं गीता का नेम करता हूँ, ना तो लड़की को जानता जी ना लड़की को जानता। लड़कियों के गांव में भी मैं पूछ गया हूँ, मैं उनसे मेरी कोई जानकारी रिश्तेदारी नहीं है, मतलब ये सामाजिक बात है जी। उन्होंने मेरे आख्या देखते हुए जी उस लड़के को मतलब मारे पीटी करी है जी उन्होंने पार्क में उसमें जेल में जी, और इस प्रकार की घटना में बस मैं भी करी। आप क्या इसलिए आप अपनी बात रख रहे हैं क्योंकि आप उन लड़कों को बचाना चाहते हैं या कि आपके साथ गलत हुआ है? हमारे साथ गलत हुआ इसलिए और ताकि और किसी के साथ भी ना हो। मैं तो ये जानता हूँ मेरे लड़के साथ तो गलत हुआ, FIR कटी, उनके साथ भी यही होया होगा, मैं भी ये कर रहा हूँ। आपने कितने पैसे दिए? मैंने 20,000 रुपये में फैसला किया। 1,00,000 रुपये तो क्या बड़ी बात है, लेकिन आप
की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप पढ़ने लिखने वाले बालक हैं। ये मेरे फादर से उन्होंने रुपये लिए थे, राजेश ने, लड़के के पिताजी ने। मैं बोला मेरा पर्स मर गया, सारे तो पैसे निकाल लिए। मैं बोला कितने पैसे थे, तो जी उसने बताया 7-8 हज़ार रुपये बताए मेरे थे। मेरे पास थाना खुर्द का राजेश और ये रमेश मेरे से 5,68,000 रुपये ले गए। इसका करियर उन लड़कियों ने खराब कर दिया, उन्हीं की वजह से मैं इसको घर बैठाया हूँ, और कोई वजह नहीं मेरी। मेरा कलेजा फटता है इस बात के, मेरा लड़का घर पे बैठा है, मैं काम करता हूँ, देता हूँ, 7 महीने के मेरे साथ काम करता है। नहीं, मैंने कभी खेत में भी नहीं बुलाया इसको, पढ़ाई कर, कंप्यूटर घर पे, सारी चीज घर पे ला रखी है मैंने इस लड़के के लिए। आप सरकार से क्या बोलना? मैं तो मैडम क्या बोलना चाहूँगा, लेकिन जब लड़की कोई किसी की शिकायत करती है तो सरकार को उसकी जांच करनी चाहिए। शुरू से पूछा जाए कैसे क्या हुआ है। लड़की तो कभी कुछ भी बोल देगी तो वो गलती हमने की है, वो तो कुछ भी कह सकती है। क्या एक लड़के के लिए ऐसे इल्जाम लगना बहुत ज्यादा दर्द भी होता है? सब कुछ होता है, सबको पता है कि कैसा होता है, जिसके ऊपर बीती वही बता उसको पता चलता है। ये तो दुकान बन गई थी, दुकान नहीं है, पैसा ठिकाने की दुकान बना गई, वारदात करो और पैसे रुको।